अगर आप कॉमेट के यूजीटी 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहीं इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉग इन और रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर फॉर रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यह वेबसाइट ओपन होगा, तो थोड़ा सा आपको इसको वेट कर लेना है और तुरंत खुल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कौन सा ब्राउजर कंफर्टेबल है, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आ जा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो आपका नाम है, जैसा आपके 10th के मार्कशीट में होगा वैसा नाम दे देना है, जो भी आपका नाम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे आ जाना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे आप वापस से जो है जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देते हैं वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। चलिए मैं दे देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है, जो सभी आपका ईमेल आईडी होगा। जो ईमेल आईडी आप इसमें देते हैं वही ईमेल आईडी आपको इसमें देना है। और उसके बाद जो है जनरेट ओटीपी का ये बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यह कैप्चा कोड मांगेगा, यह वाला आपको यहाँ पे भर देना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यह देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन मोबाइल एंड ईमेल। तो मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी आ जाता है, वो आपको देना होगा, तो इसको ओके करना है। तो जो मोबाइल पे ओटीपी आता है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो ओटीपी देने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो इस तरीके से आ जाएगा कि सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, इसको आपको ओके कर देना है। अब ईमेल का ओटीपी देना है और उसके बाद जो वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये भी वेरीफाई हो जाएगा, तो इसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद दोनों जो है हट जाएगा। अब आपको नीचे आकर के इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रीवेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल इस तरीके से आ जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इस सब पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुछ अलर्ट आता है कि आप जो है एक बार सबमिट कर देंगे तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसको आपको ओके कर देना है अगर आपको सब चीज़ सही लगे तो। जिसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा और जो यूजर आईडी है और पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे जो है जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है वो सब चीज़ भेज दिया जाता है ईमेल पे। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट करना है और फिर से दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। यूजर नेम जो है यहाँ पे दे दिया है, पासवर्ड जो है जो मेरे मोबाइल पे आया था, या यूजर नेम आपको ईमेल पे मिलेगा, ये आपके मोबाइल पे मिलेगा, दोनों अलग अलग मिलता है, एक साथ नहीं मिलता है। और उसके बाद जो ये कैप्चा कोड देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे भर देना है। और ये कैप्चा कोड देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉग इन पे क्लिक कर लेना है। जिसके बाद जो है लॉग इन होकर के यह इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा गो फॉर एप्लीकेशन का, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। फिर से जो है वही फालतू के नोटिस, इसको क्लोज करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूजी नेट का है, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यूजीटी का कर रहा हूँ तो मैं ये वाला चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है इस तरीके से आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि क्या आपको पिछले साल कोई सीट अलॉट हुआ था, अगर हुआ था तो इसको यस करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो पिछले साल आपने क्यों कंटिन्यू किया था वो आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं ऐसा तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से आएगा, इसको ओके कर देना है और बाकी डिटेल भरना है। अब आपका नाम यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है जो गवर्नमेंट प्रूफ में है। होता है कई बार कि आपके एजुकेशन में कुछ और होता है, लेकिन जो अगर गवर्नमेंट का जो प्रूफ होता है उसमें कुछ और होता है, तो अगर दोनों सेम होगा तो दोनों में सेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जिस भी साल में जन्म हुआ है वो आपको सबसे पहले साल चुनना होगा, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पीछे जाना है, जिस भी साल में जन्म है वो साल चुन लो, महीना चुन लो और डेट सेलेक्ट कर लो, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख दूंगा। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर चुनने के लिए कहा जाएगा, मेल फीमेल जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। नेशनलिटी जो भी है, अगर इंडिया से है आप तो इंडिया सेलेक्ट करो, अदर है तो आप यहाँ पे चुन सकते हो जो भी होगा। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछा जाता है, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम देना है जो भी होगा। उसके बाद जो है माँ का नाम लिखना है, जो भी आपके माँ का नाम होगा वो पूरा लिख देना है। यहाँ पे आपको फादर आपके क्या काम करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस है, अदर है, जो भी है वो चुन सकते हैं यहाँ पे।
और अगर आप अदर सेलेक्ट करते हो तो बता देना है कि क्या करना है। चले इसी में से कोई एक ऑप्शन मैं चुन लेता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पेरेंट्स का आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कोई भी एक चीज़ आपको देना पड़ेगा। और जो अगर आप पैन कार्ड देते हैं, मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं, जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पैन कार्ड नंबर होता है वो आपको दे देना है। यहाँ पे पेरेंट्स का एनुअल इनकम बताना है कि कितना है, अगर 6.5 लाख से नीचे है तो यह सेलेक्ट करेंगे, 6.5 to 10 लाख है तो यह, इसी तरीके से अदर ऑप्शन दिया हुआ है जो भी है वो आप चुन लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है। और उसके बाद जो है जब आप अपना एड्रेस इसमें कंप्लीट डाल लेंगे, उसके बाद जो है पूछा जाता है कि यह आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो पूछा जा रहा है। यह जो आप देते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस हुआ, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम होगा तो सिंपल सा इसको यस कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नो सेलेक्ट करके आपको नीचे परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। चलिए मैं यस कर दे रहा हूँ और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जब सेव करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है कि सेव डेट जो है पूरा सक्सेसफुली हो गया, इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि बिलोंगिंग टू कर्नाटक से है या कहीं और से है। अगर आप कर्नाटक से दूसरे के अलावा दूसरे राज्य से है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैटेगरी कहा जा रहा है, तो आपको दूसरे राज्य से होंगे तो आप जनरल में ही जाएंगे। अगर आप कर्नाटक से होंगे तो यहाँ से पूछा जाता है क्या बाय बर्थ है, डोमिसाइल या कैसे है, जो भी है वो आप बता देंगे। बाय बर्थ है तो बाय बर्थ सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको एज के रीजन पूछा जा रहा है, जो भी होगा अगर यस है तो यस कर दो, नहीं तो नो है तो नो सेलेक्ट कर लो, जो भी होगा वो कर दो। और कैटेगरी आपको जो है अपना जनरल SC ST जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। और अदर राज्य के लिए जो है यह ऑप्शन है नहीं, वो भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा जनरल में जाएगा। और यह करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद यह आएगा इसको आपको ओके कर देना है। अब आपसे एकेडमिक डिटेल पूछा जाता है, उसके लिए इसको ओपन करना है। इनमें से जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे आपको जो है एग्जाम टाइप बता देना है कि अभी परसुइंग है या कंप्लीट हो गया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो परसुइंग सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोर्ड बता देना है कि किस बोर्ड से है, जिस भी बोर्ड से है आप वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम बता देना है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अभी, उसी इंस्टीट्यूट का या स्कूल का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे बता देना है कि जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो किस राज्य में है, जिस भी राज्य में है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। और उसके बाद जो है सिटी बता देना है, किस सिटी में आप पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद जो है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंडेक्स नंबर, इसमें से कुछ भी आप जो है दे सकते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अदर एंट्रेंस एग्जाम में अपेयरिंग है, तो आप वो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉन सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स और इमेज अपलोड करने पड़ेंगे, उसके लिए नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो मांगा जा रहा है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है एक खुल जाएगा कि जहाँ भी आपको, जहाँ से भी आप फोटो अपलोड करना चाहते हो वहाँ पे चले जाना है। मान लीजिए फोटो है, ये फोटो चुन लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद जो है फोटो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। और तो अपलोड होके यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे लिख भी दिया है कि अपलोड सक्सेसफुली हो गया, आपको क्लोज कर देना है। इसी तरीके से आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरीके से जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, जो भी ये आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। यहाँ पे जो है आपको अपना एक आईडी, कोई भी जो गवर्नमेंट प्रूफ होगा वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करना है। नीचे आना है, यहाँ पे आपको पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे पेरेंट्स का आपको कोई भी एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। आप अपने फादर या मदर में से किसी का भी अपलोड कर सकते हैं। और यह होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरीके से आ जाएगा कि डेटा सेव सक्सेसफुल, इसको ओके करना है। यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हैं, यह वाला आपको भर देना है। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस चुनना है कि कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। जहाँ भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, काफ़ी जो है ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे चुन सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे ये प्रेफरेंस 1 हो गया आपका, ये प्रेफरेंस यहाँ पे 2 आपको सिलेक्ट करना है, इसी तरीके से 3 सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है आप अपने पास का एरिया का सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं बस आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपने पास का सिलेक्ट कर लेना है। तो टोटल जो है 5 प्रेफरेंस देना है, आप कोई भी 5 प्रेफरेंस चुन सकते हो जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। इन 5 में से कोई भी एक आपका एग्जाम सिटी दिया जाएगा, वहाँ पे एग्जाम जाके देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पेमेंट मोड कहा जा रहा है, इसको आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन सिलेक्ट कर लो। इन सब पे आपको सही का निशान देना है इस तरीके से, और नीचे जो है कैप्चा कोड देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद जो है आप चाहे तो सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से यह आ जाएगा। यहाँ पे आपको या तो इंटरनेट बैंक से पेमेंट कर लो या कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपना जो भी जो कार्ड होगा, चाहे ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, वो चुनना है। यहाँ पे लिखना है उसका नंबर, यहाँ पे एक्सपायरिंग मंथ लिखना है, जो भी होगा
यहाँ पे एक्सपायरिंग ईयर चुनना है, यहाँ पे कार्ड पीछे 3 रंग का नंबर होता है वो देना है, और यहाँ पे नाम दे देना है जिसका आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह करने के बाद पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा।